हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंटल बीम के बारे में कि लिंटल बीम आप जो है साइट पे कैसे कास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आज हम आपको प्रैक्टिकली जो है साइट पे आपको दिखाएंगे कि लिंटल बीम हम जो है साइट पे कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए आपकी जो वॉल्स होती है 4 इंच की है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अगर आपकी वॉल जो है 4 इंच की है, तो आपको जो है लिंटल बीम जो है 4 इंच के जगह का ही बनाना है। और अगर आपकी जो वॉल है 9 इंच की है, तो आपका जो है 9 इंची चौड़ाई, 9 इंची विड्थ का ही आपको लिंटल बीम बनाना है। और दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी मेसन होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, जब भी वो घर का निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो लिंटल बीम की जो है आपका RCC लिंटल बीम की जगह पे क्या करते हैं कि वो लकड़ी का कोई फट्टा या कोई भी मतलब कड़ी वगैरह का जो टुकड़ा होता है, उस टाइप से जो है वो दे देते हैं, जो कि बहुत गलत होती है। उसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर आप लकड़ी का कोई जैसे कोई लकड़ी वगैरह का या फट्टा वगैरह यूज करते हो, तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो वॉल्स में जो है क्रैक्स आने के, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, क्रैक्स आ सकती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो है RCC का जो लिंटल बीम है जो है वही आपको जो है यूज करना है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी जो चौड़ाई रहेगी, मान लीजिए आपका जो गेट है दोस्तों 3 फिट का है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई जो है 3 फिट के, तो आपने जो है मिनिमम जो है 4-4 इंची जो है दोनों तरफ जो है एक्स्ट्रा लेके चलना है। आप 6-6 इंची लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बट मिनिमम आपको जो है 4 इंची बोथ साइड आपको लेके ही चलना है। और दोस्तों, जब भी आप लिंटल बीम जो है साइड पर कास्ट करें, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप लिंटल बीम अगर नीचे कास्ट कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो आपका अगर आप 1 या 2 मंजिला मकान बना रही हैं, ये उसी पे एप्लीकेबल होता है। किसी हाई स्टोरी जो है बिल्डिंग के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल अगर आपका 1 मंजिला मकान बना रहे हो, तो उसमें क्या आप इस तरीके से जो है लिंटल बीम जो है नीचे कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपका जैसे भी ड्राइंग में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सिंपल अगर 1 या 2 मंजिला मकान बना रहे हो, तो आप जो लिंटल बीम है आपका, वो आप सिंपल जो ब्रिक्स की जो है नीचे लेयर करके बिछा के आप उस तरीके से उसमें रोड़ी और जो है आपका सरिया डाल के आप इसमें जो है लिंटल बीम इस तरीके से कास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको कास्टिंग के नेक्स्ट दिन जो है आपको इसकी क्यूरिंग का विशेष ध्यान रखना है, और फिर आप इसको जो है लिंटल बीम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप 1 या 2 मंजिला मकान बना रहे हैं, तो लिंटल बीम जो है आपके घर पे ही किस तरीके से जो है कास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें कोई ऐसा कुछ कारीगरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप आज ईजिली जो है लिंटल बीम जो है कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।